06। आप इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं साई न्यूज 24/7 लाइव, सच की आवाज। आइए आपको रूबरू करवाते हैं कुछ अहम खास मुद्दों पर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज शैलेश कुमार पांडे IPS द्वारा भू माफिया अतीक अहमद की अपराध से अर्जित अचल संपत्ति अनुमानित कीमत करीब 16 करोड़ रुपए की धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत की जाने वाली कुर्की के संबंध में दी गई रिपोर्ट। संवाददाता प्रयाग हसन की रिपोर्ट। गैंगस्टर और माफिया अतीक अहमद की अपराध द्वारा अर्जित संपत्तियों को चिन्हांकित किया गया था तथा उनके कुर्कीकरण की कार्रवाई आज चल रही है। दो स्थानों पर कुर्कीकरण की कार्रवाई चल रही है। कुल 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। एक लखनऊ के लिए टीम यहां से ऑलरेडी रवाना हो गई है। SP क्राइम, CO सिटी 2 और SHO और उनके साथ पर्याप्त फोर्स, लखनऊ में जो पुलिस ऑफिसर्स हैं तथा मजिस्ट्रेट्स हैं उनसे भी हम लोग लगातार कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और साथ ही साथ दो भूखंड जो यहाँ थाना धूमनगंज क्षेत्र में स्थित हैं, जिनकी कुल रकबा अप्रॉक्सीमेटली 1 बीघा है, और यहाँ तथा लखनऊ की जो प्रॉपर्टी है उनको कुल मिला के लगभग 16 करोड़ की प्रॉपर्टीज़ जो हैं आज कुर्क होंगी। यहाँ जो कुर्कीकरण की टीम में यहाँ के लोकल पुलिस ऑफिसर्स और मैजिस्ट्रेट्स रहेंगे तथा लखनऊ की जो कुर्कीकरण की कार्रवाई होगी उसमें लखनऊ के मैजिस्ट्रेट, लखनऊ के पुलिस ऑफिसर्स प्लस हमारी जो टीम यहाँ से गई है जिसको SP क्राइम लीड कर रहे हैं वो भी वहाँ रहेंगे। इस तरह आज ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं कुर्क होंगी। कितनी कीमत है, लगभग अनुमानित कीमत कितनी होगी? मैंने बताया कि कुल कीमत जो है लगभग 16 करोड़, जो दोनों जगह की प्रॉपर्टी है, जनपद प्रयागराज और जनपद लखनऊ की, उनकी अनुमानित कीमत लगभग 16 करोड़ रुपये। लखनऊ में जो बंगला है कितना बड़ा है, किस ये 800 वर्ग मीटर में फैला हुआ रिहायशी मकान है और उसकी कीमत लगभग 8 करोड़ है, जो कि अतीक अहमद की पत्नी के नाम से पंजीकृत है।